शिवम मेगा मार्ट में 2499 रुपए की खरीदारी पर आपको मिल सकता है स्कूटी, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर ग्राइंडर, ऑटोमेटिक आयरन और हॉट पॉट। शिवम मेगा मार्ट में महिलाओं के लिए ब्यूटी पार्लर की भी सुविधा उपलब्ध है। स्थान मेन चौक सार। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत है समाचार। गर्भावासियों के लिए खुशखबरी, अब कोलकाता का सफर हुआ और भी सुहाना। अंबिकापुर से कोलकाता के लिए हुई पहली बस सेवा की शुरुआत, जो अंबिकापुर से गढ़वा, औरंगाबाद, धनबाद, आसनसोल, दुर्गापुर होते हुए सुबह 6 बजे कोलकाता पहुंचेगी। एवं उसी दिन शाम 3 बजे उसी रूट से वापस होते हुए सुबह 6 बजे गढ़वा पहुंचेगी। बताते चलें कि सानिया बस 2x1 AC स्लीपर कोच है, जो कि अंबिकापुर से गढ़वा आएगी। 8:30 बजे गढ़वा बस स्टैंड से कोलकाता के लिए रवाना होगी। इससे पहले कोलकाता जाने की एकमात्र साधन शक्तिपुंज ट्रेन थी, अब सानिया बस की शुरुआत से लोगों को कोलकाता आने जाने में और भी सुविधा होगी। सानिया बस के शुभारंभ पर सफर कर रहे यात्रियों में हर्षोल्लास का माहौल देखा गया। हाँ सर, हम अंबिकापुर से आ रहे हैं, कोलकाता घूमने का था मन। गाड़ी स्टार्ट हुई, नई गाड़ी सानिया बस, जिसमें हमें घूमने का मौका मिला, तो हम सुविधा ऐसी मिली जिससे हम कलकत्ता घूमने जा सकते हैं, तो कलकत्ता घूमने जा रहे हैं। नाम सर मोनू खान, अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़। अपन सर फर्स्ट गाड़ी आज चालू हुआ है अंबिकापुर से कलकत्ता, तो सानिया बस, तो हम लोगों का अवसर मिला है अंबिकापुर से कलकत्ता घूमने के लिए। तो अपने जो भी 2-4 भाई लोग हैं, हम लोगों का प्लान बना कलकत्ता घूम चलते, बाई बस चलते हैं, है ना, जर्नी करते हैं। अभी तक जो यहाँ से जर्नी हुआ है बहुत बेस्ट हुआ है और अच्छा लगा, और आगे भी यही सब भाई लोगों के जितने पैसेंजर हैं यहाँ से सबका हैप्पी जर्नी करते हैं कि सब अच्छे से पहुँचे, रिटर्निंग इसी में आए। मौके पर उपस्थित गढ़वा से बुकिंग एजेंट शैलेश केसरी ने बताया कि मेरा नाम हुआ शैलेश केसरी। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, गढ़वा के लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि गढ़वा से कलकत्ता के लिए एक भी बस सेवाएँ नहीं थी शक्तिपुंज के अलावे, लेकिन आज भरपूर सहयोग, मालिक के सहयोग और जनता की मांग के ऊपर हमने एक अंबिकापुर से कलकत्ता बस सेवा शुरू करवाई है। इससे पब्लिक को बहुत ही फायदा मिलेंगे और साथ साथ बहुत ही आरामदेह 2x1 AC स्लीपर कोच गाड़ी है, जो गढ़वा स्टैंड से 8:30 बजे खुलकर भाया नावा, छत्तरपुर, हरियागंज, औरंगाबाद, डोभी, चौपारण, बरही, आसनसोल, धनबाद, रानीगंज, दुर्गापुर, वर्धमान होते हुए कलकत्ता पहुँचेगी। कलकत्ता पहुँचने का टाइम सुबह 6 बजे और उधर से कलकत्ता से वापसी शाम में 3 बजे, जो पुनः उसी रूट से वापस होते हुए गढ़वा पहुँचेगी सुबह 6 बजे। सानिया बस चालक ने भी बस की रूट के बारे में बताया। मैं ड्राइवर अब्दुल जब्बार अंसारी, अंबिकापुर से कलकत्ता जाएगी। वहीं गढ़वा वासियों ने भी हर्ष व्यक्त करते हुए सानिया बस को शुभकामनाएं दी। हम लोग आज गढ़वा से कलकत्ता के लिए खुली सानिया बस के शुभकामना स्वरूप मैं यहां उपस्थित हूं। गढ़वा के व्यवसायी वर्ग के लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक समय है कि हमारे व्यापारी वर्ग इस बस का लाभ उठाएं, और व्यापारिक पैलेस रहा है गढ़वा के लिए ये कलकत्ता। लोग अगर शक्तिपुंज छूट जाती है या शक्तिपुंज में सीट नहीं मिलती है, तो इस बस के द्वारा लोग कलकत्ता जाकर अपनी व्यापारिक कार्य को करके और फिर वापस गढ़वा को आ सकते हैं। मैं गाड़ी के मालिक को और गढ़वा के सभी व्यावसायिक वर्ग को धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं कि बदलते हुए गढ़वा के लिए ये बदलता हुआ सुविधा बहुत अच्छा है, हम इसका लाभ उठाएं, धन्यवाद। मेरा नाम सरगम गौरव है और बहुत खुशी की हुई जानकर के एक छोटे से शहर से गढ़वा टू कलकत्ता की गाड़ी निकली है, और बहुत अच्छी है कि लंबे रूट के लिए निकल गई है, और हम लोग के लिए भी सुविधा हो गया, जाने आने का किसी तरह का कोई परेशानी नहीं, और बाकी हार्दिक शुभकामनाएं हैं सबों के साथ। मौके पर रमन केसरी, पूनम केसरी, सरगम गौरव,
शुभम केसरी एवं अन्य शहरवासी मौजूद थे। धन्यवाद।